सदाबहार सच्ची कहानी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गर्मियों के दोपहर थे, मैं अकेली बैठी गर्मी में लाइट वालों को कोस रही थी। इतनी भयंकर गर्मी में भी 3-3 घंटे लाइट काट लेता था। रात को भी गर्मी से सो ना सकी थी। अब भी सोने का इरादा किया था कि लाइट चली गई थी। मुझे अपने हालत और उस गरीबी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सुना था कि अच्छे इलाकों में लाइट कभी भी नहीं काटी जाती, लेकिन हम तो एक गरीब आबादी में रहते थे। पता नहीं कब हमारे हालात बदलने थे। मैं उन्हीं सोचों में गुम थी कि दरवाजे पर घंटी बजने की आवाज़ आई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ी 40 साल की औरत को देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह से पहचानती थी। वे और कोई नहीं बल्कि मेरे पति की मालकिन थी। लेकिन उसका हमारे दरवाजे पर क्या काम था और वह यहाँ क्या करने आई थी? यही सोचकर मैं बहुत परेशान हो रही थी कि कहीं मेरे पति से कोई गलती तो नहीं हो गई है। मेरा पति एक हफ्ते से दफ्तर के काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ था और 2 दिन के बाद उसे लौट कर आना था। ऐसे में उसकी मालकिन का हमारे दरवाजे पर आ जाना मुझे परेशान कर रहा था। मेरे पति की मालकिन ने मेरे चेहरे पर घबराहट के असर देखे तो एकदम नरमी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई और कहने लगी, साधना, अंदर आने का नहीं कहोगी? उनकी बात सुनकर मैं हड़बड़ा गई और जल्दी से चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजा कर कहा, जी जी जरूर आएं अंदर। लेकिन दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। दरअसल मेरे पति की मालकिन मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती और पहचानती थी। जब भी मैं ऑफिस की कोई छोटा मोटा काम काज होता तो मेरा पति मुझे अपने साथ ज़रूर लेकर जाया करता। ऐसा कोई दावत ना होता जहाँ मैं अपने पति के साथ ना होती, और इसलिए उनके ऑफिस के करीब करीब सभी लोग मुझे बखूबी पहचानते थे। और यही वजह थी कि मैं भी उनके मालकिन को पहचानती थी। लेकिन एक इतनी बड़ी कंपनी के मालकिन का हम जैसे गरीब लोगों के दरवाजे पर आकर खड़े हो जाना बहुत ही अजीबोगरीब बात थी। और जिस अंदाज में वो आई थी, ऐसा लगता था जैसे बहुत ही कोई ख़ास काम करने आई हों। मैंने उन्हें अपने छोटे से ड्राइंग रूम में बैठने को कहा और अपने घर के हाल पर शर्मिंदा होने लगी। पहली बार मुझे अपने छोटे से घर की खराब हालत पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रही थी। ऊपर से लाइट भी नहीं थी, गर्मी से बुरा हाल था, गुस्सा भी आ रहा था। मैं प्रकाश को कब से कह रही थी कि घर को ठीक करवा लें, लेकिन वह हमेशा यही कहते, अगले साल करवा लूँगा। और अगला साल हमारी ज़िंदगी में आकर नहीं दे रहा था। तनख्वाह आने से पहले खर्च हो जाया करती थी और हालात थे कि बदल ही नहीं रहे थे। प्रकाश की मालकिन टीना मैडम गौर से कभी मुझे तो कभी मेरे घर के हालात को देखती और मुस्कुरा देती। मुझे तो उनके हाव भाव समझ ही नहीं आ रहे थे। मैंने पहले उन्हें पानी पिलाया और फिर फौरन प्रकाश के बारे में पूछा, सब ठीक तो है ना, आप इतनी अचानक हमारे दरवाजे पर? मेरा सवाल सुनकर वह हंस पड़ी और कहने लगी, बेफिक्र रहो, प्रकाश को कुछ भी नहीं हुआ है। क्या मैं आपके दरवाजे पर नहीं आ सकती? आपका मेरा आना बुरा लगा? मैंने फौरन नहीं में सर हिलाया। मैं अपने पति की मालकिन को कैसे नाराज कर सकती थी? टीना मालकिन एक गहरी नज़र मेरे घर पर डाली और कहने लगी, आपका घर बहुत छोटा है और उसमें मरम्मत की ज़रूरत है। आप लोग काम क्यों नहीं करवा लेते, बल्कि इस घर पर पैसा लगाने के बजाय अच्छे कॉलोनी में शिफ्ट होने के बारे में क्यों नहीं सोचते? टीना मैडम की बात सुनकर मुझे हंसी आ गई और मैंने हंसकर कहा कि हमारी इतनी औकात कहाँ, हम इतने अच्छे सोसाइटी में घर लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इस घर की मरम्मत करवाने के बारे में ही सोच रहे हैं और वह भी मुमकिन नहीं हो पा रहा है। मेरी बात सुनकर टीना मैडम ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, क्या तुम्हें बड़े घर की ख्वाहिश नहीं? वह मुझसे इतने बेतुकी सवाल क्यों कर रही थी? मुझे तो उनके आने की वजह भी समझ नहीं आ रही थी। मेरा पति उनकी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर था, लेकिन फिर भी उनका हमारे घर में आना बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी। खैर, उनकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गई और फिर हसरत भरी शब्दों में जवाब दिया, बड़े घर की ख्वाहिश किसे नहीं होती। हर औरत चाहती है कि उसकी ज़िंदगी में हर ऐशो आराम हो और सारी सुविधाएं हो, लेकिन हर किसी की किस्मत में ये सब नहीं होता। मेरी प्रकाश की शादी को 2 साल होने वाला है और उस 2 साल में हमें सिर्फ और सिर्फ परेशानी ही परेशानी देखी है। इतनी अच्छी नौकरी होने के बावजूद भी हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि प्रकाश ने शादी पर बहुत कर्जा ले लिया था और वे अब तक हम सब वो कर्जा चुकता कर रहे हैं। फिर उसी टाइम प्रकाश की माँ भी बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई थी
तो उस पर भी हमने काफ़ी कर्जा ले लिया था। हम ज़्यादा कर्जे में दब गए हैं। ना चाहते हुए भी मैंने टीना मैडम को अपनी दुख भरी कहानी सुना दी थी, जबकि मैं उनके आगे अपना भरम रखना चाहती थी। टीना मैडम मुस्कुराकर कहने लगी, फिकर ना करो साधना, मैं यहाँ तुम्हारी मुश्किल हल करने आई हूँ। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम किस तरह अपनी समस्या से बाहर निकलती हो और अपने लिए एक आराम की ज़िंदगी को चुनती हो। अगर सोच समझ कर अकलमंदी से फैसला करोगी तो तुम्हारे दिन फिर वापस आ जाएंगे। टीना मैडम की बात सुनकर मैं चौंक उठी। वह ऐसा क्या हल लेकर आई थी जिसे मेरे दिल बदलने वाले थे, और उन्हें भला उसमें इतनी हमदर्दी क्यों हो गई थी? उनकी कंपनी में तो सैकड़ों नौकर थे और उनके कंपनी में काम कर रहे थे। क्या टीना मैडम सबके घर जाकर ऐसे ही उनकी मुश्किलों को हल किया करती थी? मुझे सोचों में गुम देखकर टीना मैडम ने अपनी उंगलियों से चुटकियां बजाने लगी और कहने लगी, तुमने तो हल सोचने के लिए भी इतना टाइम लगा दिया, फैसला कैसे करोगी? ज़िंदगी में वही इंसान कामयाब होता है जो सही टाइम पर सही फैसला करता है। मैंने मुस्कुराकर कहा, जी ज़रूर बताएं क्या हल है आपके पास। मैं तो यही चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए और प्रकाश अपने आर्थिक समस्याओं से बाहर निकल आए। टीना मैडम ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, मैं अपनी आधी कंपनी तुम्हारे नाम कर देती हूँ और तुम्हारे सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। टीना मैडम की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए और मैंने उन्हें ऐसी नज़रों से देखा जैसे वह पागल हो गई हों। मैं फटी फटी निगाहों से उन्हें देख रही थी। वह कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, मैं वाकई में अपनी आधी कंपनी तुम्हारे नाम कर दूंगी और डिफेंस में एक बहुत बड़ा बंगला भी तोहफे में दूंगी, बल्कि तुम्हें अपने साथ अपने ही बंगले में रख लूंगी। मुझे लगा कि वे मेरे साथ मजाक कर रही हैं, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसी सादगी छाई हुई थी जैसे वे किसी बड़ी कारोबारी समस्या के लिए हमारे घर आई हों। मैंने हकलाते हुए पूछा, आप अपनी आधी कंपनी मुझे क्यों देंगी? मेरी बात सुनकर वह हंस पड़ी और कहने लगी, अब तुमने बिल्कुल ठीक सवाल किया है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें ये सब किस कीमत पर मिलेगा। दरअसल तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी होगी। ये समझ लो कि मैं एक सौदा करने आई हूँ, और अगर तुम्हारी मर्जी हुई तो मेरी और तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे अच्छा सौदा होगा। मैं तो उनकी बात पूरी सुनने के लिए बेताब होने लगी थी। मैं तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि मुझे बैठे बिठाए ऐसी ऑफर मिल सकती है। मैंने सोच लिया था कि वे जो भी कहेंगी मैं झट से मान लूँगी। उसके बाद टीना मैडम ने जो डील मेरे सामने रखी वह सुनकर तो मेरे जैसे होश ही उड़ गए, और मुझे लगा उस बुढ़ी का दिमाग ख़राब हो गया है। 40 साल की उम्र में भी ऐसी बहकी बहकी बातें कैसे कर सकती है? मेरे चेहरे के बदलते रंग देखकर टीना मैडम कहने लगी, साधना जज्बाती होने के बजाय होश से काम लो, तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चों का भविष्य बन जाएगा। कब तक यूं ही सिसक सिसक कर ज़िंदगी बिताओगी? मैंने कोई ऐसी गलत बात तो नहीं की है जिसकी वजह से तुम नाराज हो? सोचो तो सही, तुम्हें आधी कंपनी मिल जाएगी, रहने को बड़ा सा बंगला और ज़िंदगी के हर ऐसो आराम होगी, और तुम सारी दुनिया के शेयर कर सकती हो। तुम्हारे पति पर भी तुम्हारा हक होगा, लाखों में खेलोगी, उससे ज़्यादा तुम्हें और क्या चाहिए? टीना मैडम मुझे भविष्य के सुहाने ख्वाब दिखा रही थी, और मेरा दिल चाह रहा था कि मेज पर पड़े गमले को उठाकर उनके सर पर दे मारूं, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मेरा पति उनकी कंपनी में नौकर था और आज के दौर में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल था। इसलिए मैंने उनके साथ कोई भी बदतमीजी करने से परहेज किया और बहुत ही नरमी से कहा कि आप जो सौदा करने आई हो वह मेरे लिए किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है। ऐसा करना तो दूर मैं सोच भी नहीं सकती, और कम से कम आप अपनी उम्र का तो ख्याल कर लेती। मेरी बात सुनकर टीना मैडम धीरे से मुस्कुराती हुई कहने लगी कि मेरी उम्र को छोड़ो, तुम अपनी तरफ देखो, अभी तुम जवान हो, खूबसूरत हो, तुम्हें नहीं लगता कि ये मुश्किल हालत तुम्हारी खूबसूरती को मिट्टी में मिला देगा? ये कहकर उठकर खड़ी हुई और जाते जाते अपने पर्स से 2 लाख का चेक मेरे हाथ में बढ़ाया, पर मैंने अपने हाथ में वह चेक नहीं लिया। फिर उन्होंने उस चेक को टेबल पर रख दिया। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है, एक बार मेरी ऑफर पर ज़रूर गौर करना। जब तुम्हें मेरी बात अच्छी लगे तो मुझसे बात कर लेना, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगी। ये सोच समझकर अपने हक में फैसला करना, ऐसा ना हो कि ये गर्मी तुम्हारी हुस्न को मुरझा डाले और तुम अपने पति के दिल से उतर जाओ। 2 लाख रुपए का चेक देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वह चेक मेरे नाम पर बनाया गया था
और मैंने कभी भी इतना पैसा एक साथ नहीं देखा था। लेकिन उस चेक को लेते टाइम मुझे हिचकिचाहट हो रही थी, इसलिए मैंने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया था, क्योंकि मैं टीना मैडम के इरादों को जान गई थी। टीना मैडम ने ये चेक टेबल पर रख दिया और मुझे सोचने का टाइम देकर चली गई। मैं तो पहले ही गर्मी से पसीना पसीना हो रही थी और अब उस चेक को देखकर और टीना मैडम की डील के बारे में जानकर मेरा बाकी का समय भी पसीने में सराबोर हो गया था। उनके जाते ही मैंने दरवाज़ा बंद किया और जल्दी से उस चेक को उठाकर देखा और मैं लिखे जीरो को बार बार गिन रही थी। मैं चेक में लिखे अपने नाम पर भी हाथ फेर रही थी और मेरा दिल भी बुरी तरह से धड़क रहा था। अजीब सी खुशी का एहसास हो रहा था, लेकिन अगर मैं ये 2 लाख ले लेती तो मालकिन यही समझती कि मुझे उनकी बात मंजूर है, जबकि मैं किसी भी सूरत ऐसा नहीं कर सकती थी। मैंने जल्दी से उस चेक को छुपाकर अपनी अलमारी में रख दिया और सोचने लगी मालकिन को प्रकाश में ऐसा क्या नज़र आ गया कि वे सब कुछ छोड़ छाड़ कर प्रकाश के पीछे पड़ गई हैं और अपनी दौलत लुटाने को तैयार हैं। प्रकाश और मालकिन का तो कोई जोड़ी भी नहीं है। प्रकाश एक 25 साल का नौजवान लड़का था और मालकिन कम से कम 40-45 साल की औरत नज़र आ रही थी। मैं यही सोचकर हंस दी। उस बुढ़ी को उम्र के उस हिस्से में आकर मेरे पति से मोहब्बत हो गई है। वो 2 दिन अजीब अजीब सोचों में बीत गए। कभी मैं सोचती चेक को कैश करवा लूं और प्रकाश का सारा कर्जा उतार दूं, तो कभी कुछ लगता कि ऐसा करके मैं मालकिन को गलत इशारा कर दूंगी। कभी अपनी गरीबी पर रोना आता तो कभी दिल चाहता कि मालकिन की बात मानकर अपने हालात बदल लूं। जब जब गर्मी से मेरा दम घुटने लगता, मेरा दिल चाहता कि मैं अभी बड़े से बंगले में जाकर एसी के मज़े उठाऊं और एक मुश्किल फैसला करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना लूं। दुनिया में कितने ही मर्द दूसरी शादी करते हैं और दोनों बीवियों को साथ खुश रखते हैं। अगर मेरा पति भी दूसरी शादी कर लेता तो क्या बुराई थी। वैसे भी वह 40 साल की बुढ़ी औरत क्या कभी मेरी जगह ले सकती है। फिर अगले ही पल मुझे अपनी सोच पर गुस्सा आता। मैं कैसे अपने पति का बंटवारा कर सकती हूँ। 2 दिन बाद जब मेरे पति प्रकाश आए तो मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उनका चेहरा अजीब तरह से उतरा हुआ था और वह बिल्कुल चुप थे। उन्हें चुप्पी लगी हुई थी। मैं समझ नहीं पाई कि वह 2 दिन बाद घर आने के बावजूद भी उनके चेहरे पर खुशी के असर क्यों नहीं दिख रहे। जब यही सवाल मैंने उनसे किया तो वह बताने लगे कि माँ के इलाज के लिए रईस अंकल से जो पैसे लिए थे वह जल्दी वापस मांग रहे हैं, क्योंकि उनकी बेटी की अचानक शादी तय हो गई है। प्रकाश की शक्ल ऐसी थी जैसे वह किसी भी पल रो देंगे। वह धीरे शब्दों में कहने लगे, पूरे 2 लाख रुपए हैं, मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगा। जिस टाइम मैंने रईस अंकल से वह पैसे लिए थे उन्होंने मुझसे 5 साल का टाइम दिया था और अब वह तो मेरे सर पर ही आकर खड़े हो गए हैं। मेरा सर उनके आगे शर्मिंदा से झुक गया है। प्रकाश की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा, आपने रईस अंकल को खरी खोटी क्यों नहीं सुनाई। जब 5 साल का टाइम दिया था तो फिर अभी मांगने की क्या ज़रूरत है। जब 5 साल हो जाएंगे तो हम उनके पैसे लौटा देंगे। मेरी बात सुनकर प्रकाश ने मेरी तरफ देखा और कहने लगे, बड़ी अजीब बात करती हो तुम भी। वे हमारे टाइम पर हमारे काम आए थे, अब उनकी बेटी का रिश्ता हो गया तो क्या वे अपने पैसों का मांग भी ना करें। हमें किसी भी तरह करके उन्हें 2 लाख चुकता करने हैं। प्रकाश ने एक गहरी सांस खींचा और कहने लगे, जाओ साधना अपने जेवर निकाल कर ले आओ, कुछ भी हो हम उसे बेचकर पैसे चुका देंगे। कम से कम हमारी वजह से किसी की बेटी की शादी में तो समस्या नहीं होगी। उनकी बात सुनते ही मेरा सांस अटक गया। मेरे माँ बाप ने बड़ी मोहब्बत से मुझे कुछ जेवर दिया था और वह उसे बेचने की बात कर रहे थे। ना चाहते हुए भी मैंने अपना जेवर निकाल कर रख दिया और कहा, अगर बेचना ही है तो उसे सुनार के पास ना ले जाएं, बल्कि मैं उसे अपने माँ को ही वापस बेच दूंगी, मेरी छोटी बहन के काम आ जाएगा। ये सुनकर प्रकाश ने कुछ ना कहा और राजी हो गए, जबकि हकीकत तो ये थी कि मेरा उस जेवर को बेचने का कोई इरादा नहीं था। अगले दिन जब प्रकाश दफ्तर के लिए निकले तो मैं भी बैंक पहुंच गई। मैंने वे 2 लाख रुपए कैश करवा लिया और अपना सारा जेवर माँ की हिफाजत में रख दिया और उन्हें ए से लेकर जेड तक की सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर माँ कहने लगी, तू पागल तो नहीं हो गई है। अगर प्रकाश की मालकिन इतनी अमीर औरत है तो अपने प्रकाश की शादी क्यों नहीं करवा देती। बेफिक्र रह, तेरे रिश्ते को कुछ नहीं होगा। उस 40 साल की बुढ़ी में इतना दम थोड़ी ना होगा
कि तेरे पति को काबू में कर सकेगी। से भी प्रकाश तो तुझसे मोहब्बत करता है, तो उसकी आधी जायदाद अपने नाम लिखवा ले। प्रकाश खुद ही उसे थोड़े दिनों में छोड़ देगा और फिर तेरे ऐश हो जाएंगे। मेरी माँ ने बड़ी चालाकी से मुझे सारे आइडिया समझा दिया था। माँ हमेशा से ही पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा लालची थी और कहीं ना कहीं यही चीज़ मेरे अंदर भी आ गई थी। कभी कभी टाइम और हालात इंसान को लालची बना देते हैं और मैं भी मुश्किल हालात से तंग आ चुकी थी, इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं प्रकाश की शादी टीना मैडम से करवा दूंगी। मैंने अगले ही दिन टीना मैडम को फ़ोन किया और कहा कि मुझे उनकी डील मंजूर है, वह कागज़ तैयार करवाएं और मैं प्रकाश को मनाती हूँ। मैंने प्रकाश के हाथ पर उसी शाम को 2 लाख रुपए रख दिए और साथ ही उन्हें इस बात के लिए मनाने की कोशिश की वह टीना मैडम से शादी कर ले। ये सुनते ही मेरा जवान 25 साल का पति हत्थे से उखड़ गया और कहने लगा, तुम कैसी बातें कर रही हो। प्रकाश अपनी मोहब्बत का बंटवारा कभी भी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने मुझसे बोलचाल बंद कर दिया। पूरे महीने भर बाद में मेरे खातिर अपनी मालकिन से शादी करने के लिए राजी हो गए। उनकी मालकिन ने प्रकाश की रजामंदी सुनते ही अपने आगे कंपनी मेरे नाम लिख दी और प्रकाश को शादी के लिए अपने साथ ले गई। मैंने भी जल्दी जल्दी अपना सामान बांध लिया। पूरे 2 घंटे बाद में प्रकाश और टीना मैडम वापस लौटे और मुझे भी अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया और हम बड़े से बंगले में पहुंच गए। वह बंगला नहीं, मेरे ख्वाबों की तस्वीर थी जो मुझे मिल रही थी। मैं तो खुशी से दीवानी हो रही थी। कभी मैं टीना मैडम की शक्ल देखती तो कभी प्रकाश की। वह बिल्कुल चुप था और टीना मैडम के चेहरे पर खुशी नज़र आ रही थी और मैं सोच रही थी कि वह खुशी बस कुछ ही दिनों की मेहमान है, क्योंकि प्रकाश ज़्यादा टाइम तक टीना मैडम के साथ नहीं रह सकता। ना ही वह खूबसूरत थी और ना ही जवान थी, भला वह मेरा मुकाबला कैसे कर सकती थी। लेकिन उस घर में पहली ही रात मेरी आँखें हैरत से फटी की फटी रह गई जब रात के टाइम मेरे बेडरूम में टीना मैडम चली आईं और आते ही बिस्तर पर लेट गईं और कहने लगी कि अब मैं हर रात तुम्हारे पास ही सोया करूंगी। मैं बहुत हैरान हुई कि मेरे पति से मोहब्बत में डूबकर उन्होंने मेरे पति से शादी की थी और वो क्यों पहली रात मेरे कमरे में चली आई थी। मैं तो दिल ही दिल में बहुत खुश हुई, शायद प्रकाश ने उन्हें उनकी औकात बता दी है। उस रात मुझे बहुत ही आराम से नींद आई थी और मैं अगली सुबह भी बहुत खुशी से थी। जब मैं तैयार होकर कमरे से निकली तो मैंने प्रकाश को बाहर आते हुए देखा था। मैंने हैरत से पूछा, प्रकाश आप सुबह ही सुबह कहाँ चले गए थे। प्रकाश ने बड़ी नाराज नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहने लगा, तुम अब इस तरह के सवाल जवाब करने का हक नहीं रखती हो। मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ से आता हूँ, उसकी फिक्र छोड़ दो, तुम बस आराम की ज़िंदगी बिताओ। तुम्हें यही सब चाहिए था, मेरी कुर्बानी करके तुम्हें सब हासिल हो गया। ये कहते प्रकाश टीना मैडम के पास चले गए और मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि सब कुछ दिनों की बात है, प्रकाश का रवैया ठीक हो जाएगा। वैसे भी टीना मैडम के साथ उनका कोई भी तालमेल नहीं बनता, तो फिर मुझे किस बात की परेशानी होनी थी। मगर मुझे क्या मालूम था कि मैं कितने बड़े राज को नहीं जानती थी। मुझे ये मालूम नहीं था कि शादी के पीछे क्या राज हो सकता है। धीरे धीरे दिन बीतते गए। हर रात टीना मैडम मेरे कमरे में चली आती थी। मैं हैरान थी कि वह प्रकाश के साथ होने के बजाय वह मेरे पास क्यों होती थी। जब मैं प्रकाश के पास जाने की बात करती तो मुझे भी रोक दिया करती थी। एक रात तंग आकर मैंने कमरे से निकलने की कोशिश की तो टीना मैडम ने दरवाज़ा लॉक कर दिया और कहने लगी, तुम्हें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके तेवर बहुत बिगड़े हुए लग रहे थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर खींचकर बिस्तर पर लिटा दिया। गुस्से के आलम में गुर्रा कर कहने लगी, मैंने तुम्हें अपनी आधी कंपनी दी है और अपने बंगले में तुम्हें जगह दी है। तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताओ, लेकिन रात को तुम यही मेरे साथ रहोगी। मैंने उन्हें साफ साफ शब्दों में कहा कि प्रकाश का रवैया मेरे साथ बिल्कुल बदल गया है। वह मुझे सीधे मुँह बात भी नहीं करते। मैं उन्हें मनाना चाहती हूँ, दो दो पत्नियों के होते भी वो बिल्कुल अकेले रह गए हैं। टीना मैडम कहने लगी, प्रकाश अकेला नहीं है, उसकी बीवी उसकी दिलजोई के लिए मौजूद है। उनकी बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई और मैंने गुस्से में कहा कि मैं प्रकाश की बीवी हूँ, मेरा भी उन पर हक है। अगर आप खुद उनके साथ नहीं रहना चाहती तो कम से कम मुझे तो उनके साथ टाइम बिताने दो। वह तन्हा सारी रात कैसे रहते होंगे। आपका यहाँ हर रात मेरे कमरे में होने का क्या मकसद है। मेरी बात सुनकर टीना मैडम ने हंस दिया और कहने लगी, प्रकाश तन्हा कहाँ है, उसकी जवान और खूबसूरत पत्नी उसके साथ है।
तुम्हें उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम तो बस पैसों पर आराम करो और यहाँ मेरे साथ इसी कमरे में रात बिताओ। उनकी बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई और मैंने गुस्से में कहा कि आप और मैं प्रकाश के साथ नहीं, तो फिर आप किस जवान पत्नी की बात कर रही हो। टीना मैडम ने बड़ी कड़ी निगाहों से मुझे देखा था और कहने लगी, मैं प्रकाश की बीवी नहीं हूँ बल्कि उसकी सास हूँ। मेरी बेटी प्रकाश से मोहब्बत करने लगी थी और सिर्फ 18 साल की है। अगर मैं उसका रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आती तो कभी इतनी जवान और खूबसूरत लड़की को अपनी सौतन ना बनाती। इसलिए मैंने तुमसे झूठ कहा और अपना रिश्ता तुम्हारे आगे रख दिया। मैं जानती थी कि मेरा पैसा तुम्हें खरीद लेगा और यही हुआ। तुमने यही सोचकर अपनी पति की शादी मुझसे करवा दी कि मैं तो बुढ़ी हूँ, उसके दिल में जगह नहीं बना पाऊँगी। लेकिन हकीकत में प्रकाश की शादी मुझसे नहीं बल्कि मेरी बेटी से हुई है और वह पूरी तरह तुम्हारी जगह ले चुकी है। टीना मैडम की बात सुनकर मैं गुस्से में पागल हो गई थी। उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। मैंने तो ये सोचकर प्रकाश की शादी टीना मैडम से करने की हामी भर ली थी कि वे मेरी जगह नहीं ले सकती, लेकिन उन्होंने तो अपनी जवान बेटी को मेरी जगह दिलवा दी थी। मैंने गुस्से में उन्हें धक्का दिया और दरवाज़ा खोलकर सीधे प्रकाश के पास पहुंच गई। वह कमरे में अपनी नई नवेली जवान पत्नी के साथ था। मैंने लात मारकर दरवाज़ा खोला और नफरत से प्रकाश से कहा कि अभी और इसी टाइम उस लड़की को डिवोर्स दे दो। मुझे सिर्फ टीना मैडम ने नहीं बल्कि तुमने भी धोखा दिया है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी शादी टीना मैडम से नहीं बल्कि उनकी बेटी स्वती से हुई है। अभी और इसी टाइम उस डाइन को डिवोर्स दे दो। प्रकाश ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और एक ज़ोरदार तमाचा मेरे मुंह पर मार कर कहने लगे, तुम्हारे लिए शादी सिर्फ और सिर्फ खेल तमाशा बनकर रह गया है और कुछ नहीं। मैं किसी सूरत इसको डिवोर्स नहीं दे सकता। वे मेरी पत्नी हैं। अगर तुम इस घर को छोड़कर जाना चाहती हो तो जा सकती हो। वैसे भी तुमने मेरा सौदा कर चुकी हो। तुमने तो मुझे मेरी नज़रों में ही गिरा दिया है, लेकिन स्वाति ने मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत दी है। मुझे सर आंखों पर बिठाया है। वे मेरे साथ गरीबी में भी रहने को राजी है, लेकिन तुमने तो ज़रा सी मुश्किल क्या देख ली, रास्ता ही बदल लिया। तुमने अपने पति को ऐसो आराम के लिए बेच डाला। प्रकाश के शब्दों में मेरे लिए नफरत थी। उसे मैं बखूबी महसूस कर सकती थी। ऐसा लग रहा था मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा है। मैंने अपने ही हाथों से अपने खूबसूरत ऐसो आराम के लिए अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली थी। लेकिन अगर मैं उन परिस्थितियों में अपने पति का साथ देती तो आज हम दोनों एक दूसरे के साथ सुखी से ज़िंदगी बिता रहे होते। स्वाति ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठाया और पानी का गिलास दिया। स्वाति एक जवान और खूबसूरत लड़की थी जिसे देखकर कोई भी अपना दिल हार सकता था। वह मुझसे कहने लगी, आप मुझे अपना लीजिए, मैं कभी भी आपके साथ कोई बुरा सलूक नहीं करूंगी। हम दोनों मिलकर प्रकाश के साथ एक घर में खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। मैं पूरी तरह टूट कर बिखर चुकी थी क्योंकि मैंने प्रकाश के आँखों में अपने लिए नफरत देखी थी और ये नफरत सिर्फ और सिर्फ मेरी लालच की वजह से आई थी। मैंने स्वाति के आगे हाथ जोड़े और कहा, अपनी सारी दौलत वापस ले लो, लेकिन मुझे मेरा पति लौटा दो। लेकिन उसने मना कर दिया कि वह किसी भी सूरत प्रकाश को नहीं छोड़ेगी। आखिरकार मैं ही हार गई, स्वाति को अपनी सौतन बनाने के लिए मान गई। वह एक पढ़ी लिखी और अच्छी लड़की थी। उसने मेरा हक पूरा पूरा दिया और प्रकाश को मजबूर किया कि वह बराबरी से मुझे और मेरा हक दिया करे। आज मैं स्वाति और प्रकाश एक ही घर में रह रहे हैं। मैं आईने में खुद को देखती हूँ तो अपने आप से नज़र नहीं मिला पाती। ये सब मेरी लालच का नतीजा था और शायद मुझे सारी ज़िंदगी प्रकाश के आगे इसी तरह नज़र झुकाकर रहना था। अगर एक औरत मुश्किल हालात में मर्द का साथ दे तो जल्दी ही हालात बदल जाते हैं, लेकिन अगर औरत मर्द का साथ छोड़ दे तो हालात पहले से भी ज़्यादा बदल जाते हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान उस औरत का ही होता है। ये थी मेरी आज की कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।